इमरान रियाज खान साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा फैसला सुना दिया है और जो वाइब्स आ रही हैं वो यही है कि अब आपने जो करना कर so, है कर लें सो अब ये हतमी फैसला है देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बहुत सारी चीजें बेनकाब हो गई हैं ये बहुत अच्छा है यानी पाकिस्तान के वो इदारे जो आइन और कानून की बात करते थे हमने देखा कि वो आइन और कानून की कितनी पासदारी करते हैं हमने देखा वो पोलिटिकल पार्टीज़ जो जमहूरीत की बात करती थी और इंतबात की बात करती थी हमने देखा कि वो इंतबात से कैसे भाग रही है कैसे वो जमूरीत के खिलाफ खुद शब खून मार रही हैं फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये गैर जानबदार हैं उन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी जानबदारी को साबित किया यानी हमने बहुत सारी चीजें ऐसी होती हुई देखी जिससे कौम की आंखें खुली हैं कौम को यह पता चला है कि यह सारी लड़ाई देखिए हमें इस बात को अब मान लेना चाहिए कि लड़ाई यह नहीं है कि हालात इजाजत नहीं देते कि पाकिस्तान इंतबात में जाए मामला यह है कि पी डीएम के हालात इजाजत नहीं देते कि वह इलेक्शन में जाए पाकिस्तान के हालात में आपको बताता हूं दो हजार अठारह का जो दहशतगर्दी का डाटा है मैंने निकाला था दो हजार अठारह के दहशतगर्दी के डाटा के मुताबिक आज की नस्बत कम से कम पांच गुना ज्यादा दहशतगर्दी थी दो हजार तेरह में भी चार गुना पांच गुना ज्यादा दहशतगर्दी थी मैंने जब उस डेटा का एनालिसिस किया था तो चार से छह गुना का फर्क था दो हजार आठ और दो हजार तेरह के इंतबात में दहशतगर्दी के मामले में लेकिन आज कहा जा रहा है कि इंतबात मुलतवी कर दिए जाएंगे दहशतगर्दी की वजह से हालांकि उस वक्त नहीं किए गए थे और जहां तक बात है पैसों की तो पाकिस्तान के पास अगले छह महीने में पैसे आ जाएंगे या अगले छह साल में पैसे आ जाएंगे इसकी क्या गारंटी है इसकी तो कोई गारंटी नहीं है दुनिया के कई मुल्कों ने ऐसे बहानों के साथ जब भी इंतबात मुलतवी किए उसके बाद उन मुल्कों ने अनारकी की सूरत में हालात की खराबी की सूरत में उस मुल्क की आवाम ने उस मुल्क की हुकूमतों ने अशराफिया ने फिर नतज को भुगता है जो कॉन्सिक्वेंसिस आने वाले हैं वो अभी नजर आएंगे आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान को फौरी तौर पर तीन अरब डॉलर से ज्यादा पैसे चाहिए अपने और सूद के लिए अभी फौरी तौर पे चाहिए और आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है आप अरेंज नहीं कर पा रहे दोस्त ममालिक पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहे जो पहले तिजोड़ियां खोल देते थे आज भी एक रिपोर्ट छपी हुई थी आलमी मीडिया के अंदर कि आप पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहे इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान खुदाना खास्ता बल्कि वह खुदाना खास्ता मैं क्या बोलूं पाकिस्तान के वजीर दिफा ने खुद कह दिया कि डिफॉल्ट हो चुका है पाकिस्तान डिफॉल्ट वाली सूरत हाल में तीन से चार गुना वाली महंगाई वाली सूरत हाल में बिजली और पेट्रोलियम की कीमतें आपके सामने एनर्जी की प्राइस कहां पर जा रही है आम आदमी की जिंदगी अजीरन करके रख दी है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर भारत से ज्यादा लंबी रिपोर्ट छपकर आई है स्टेट डिपार्टमेंट की जानेब से यानी भारत की रिपोर्ट छपती है गालिबन 51 या 54 पेजेस की कश्मीर से लेकर वो पंजाब तक और वो आसाम तक उनकी ज्यादतियों की एक लंबी फहरिस्त है लेकिन उनकी रिपोर्ट भी इतनी लंबी नहीं छपी भारत की जितनी लंबी रिपोर्ट छपती है पाकिस्तान की 77 पेजेस पाकिस्तान में गुज्त रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जिस किस्म की ज्यादियां पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ और इवन सहाफियों के साथ की गई उसकी कोई मिसाल नहीं है यानी मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है कि साबिर भाई का अरशद भाई का मेरा भी नाम छाप दिया उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर यानी यह को पाकिस्तान को खुशी की बात तो नहीं है सेवनटी सेवन पेजेस की रिपोर्ट उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ छापी है और यह इंतहाई अफसोसनाक है और इसके बारे में किसी को फिक्र नहीं है यानी पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो जाए लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया और ताकतवर लोग यह चाहते हैं कि उन्हें दोबारा इमरान खान का सामना ना करना पड़े यह खौफ है जो उनको भगा रहा है जितने लोग इन्होंने देखिए भैया नॉर्मली लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो उनके चेहरों पे संजीदगी आती है उनके चेहरों पे खौफ आ जाता है वो परेशान हो जाते हैं और वो तकलीफ में रहते हैं लेकिन आप ये देखिए कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया वो मुस्कुरा रहे हैं वो अपनी हथकड़ियों को चूम रहे हैं सिद्दीक जान के चेहरे पर मैंने यह रौनक पहले कभी नहीं देखी थी जो मैंने कल देखी आज वो हसान ने आती उसकी गिरफ्तारी अभी अजहर मिशवानी को गिरफ्तार कर लिया है इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया है इसको आप समझिए कि लोग अब डर नहीं रहे लोगों के अंदर डर नहीं पैदा हो रहा लोगों के अंदर नफरत पैदा हो रही है तो सियासतदान तो इस नफरत का कोई ना कोई इलाज कर लेंगे लेकिन एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी ये उनके गले पड़ जाएगी और इससे जान छुड़ाएं जितनी जल्दी होता है इन गुनाहों का हिस्सा पाकिस्तान के इदारों को नहीं बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर नोटिस लेना चाहिए यह आइन शिकनी है और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तोहन है राइट सो माइकल गूगल की ट्वीट भी हम देख लेते हैं उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इकोनॉमिक मेल्टाउन पॉलिटिकल पैरालिसिस रिसर्जन टेररिज्म इंस्टीट्यूशनल ब्रेक पाकिस्तान हैज कंफ्रंटेड ऑल दीज चैलेंजेस इन द पास्ट बट रेयरली ऑल एट वंस एंड सो एक्यूटली इमरान रियाज साहब क्या इलेक्शन अब होने का कोई इम्कान है लग तो जो माहौल एक होता है इलेक्शन का वो है तो नहीं आपको क्या लगता है क्या अक्टूबर में ही होंगे अब इलेक्शंस? देखें इस मुल्क को या तो आपने आइन के मुताबिक चलाना है या आपने कहना है कि ये सरजमी बेआन है हमारे उन दोस्तों के पेट में मरोड़ उठते थे कासम सूरी की रूलिंग के ऊपर और वो ये कहते थे कि किधरें अदालतें जाग क्यों नहीं रहीं और ऐसे ऐसे ताने अदालतों को दिए वो सारे अब हमें भाषण दे रहे हैं कि जी आइन को छोड़िए आप ये देखिए कि नजरिया जरूरत क्या कहता है आइन अगर आपको कहता है कि नब्बे दिन में इंतबात कराने तो छोड़िए उसको क्योंकि सियासतदानों की ख्वाहिश है कि इमरान खान को नहीं आना चाहिए सहूलतकारों की ख्वाहिश है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है लिहाजा हम कुछ ऐसा करते हैं कि इंतबा को अक्टूबर तक ले जाते हैं ये आप मेरी बात लिख कर रख लीजिए अगर इनसे इंतबा अभी ना लिए गए तो यही सारे हमारे दानशवर जो हैं ये कह रहे होंगे कि अक्टूबर में भी इंतबा नहीं हो सकते इंतबात को अगले अक्टूबर में ले जाते हैं बल्कि मेरे ख्याल में करना ये चाहिए पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को कि पचास रुपए का एक स्टाम्प पेपर लें और उसके ऊपर ये लिखें कि ये मुल्क हमने शरीफों और जरदारियों को दे दिया ये बारी बारी इस मुल्क को चला लें और जो भी इस मुल्क को चलाएगा हम उसको एम केएम और फजल रहमान साथ में गिफ्ट कर देंगे ताकि बाकी सारी पोलिटिकल पार्टीज जो है वो पाकिस्तान से खत्म कर दी जाए देखें जहां तक बात है ना नवाज शरीफ की नवाज शरीफ को निकाला गया था और उस वक्त कोई ब्रीफिंग्स हुई थी, थी और पता चला था तो जिन लोगों ने यह कहा कि नवाज शरीफ के पास बनी ट्रेल नहीं है जिन लोगों ने यह कहा कि नवाज शरीफ यह नहीं बता पा रहा कि उसने और उसकी औलाद ने पैसा कहां से बनाया वो आज भी उस बात के ऊपर खड़े हैं बेशक एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई क्योंकि बूट पॉलिसी बड़ी कमाल किस्म की की है पहले बूट पॉलिश करके पाकिस्तान से बाहर निकल गए फिर बूट पॉलिश करके एक हुकूमत को गिरा दिया। मैं आपको बताता हूं एस्टेब्लिशमेंट जब तक इमरान खान के साथ थी तो इमरान खान तब तक अपोजिशन के साथ बात नहीं कर रहे थे आज एस्टेब्लिशमेंट का जो पलड़ा है वो दूसरी तरफ है उनका हाथ और वो भी अब बात करने के लिए तैयार नहीं है तो बैठ के बात करने की औकात उनकी होती है जो इलेक्शन के अंदर सामना करने की औकात रखते हो अदरवाइज देखें इस वक्त सारे भाग रहे हैं छुप रहे हैं मैं पी के बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो साफ कह चुके हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है हम इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते ये चंगे पले बंदे अभी लाहौर में आप देखें टिकट बांटे देखें लोग कहते हैं हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है सीनियर लोग हैं पीएमएलएन के वो कहते हैं जी इससे ज्यादा बेजती नहीं हो सकती और मुझे पीएमएलएन की सीनियर क्यादत के लोगों ने और पीपल पार्टी के लोगों ने यह कहा है कि हमारी क्यादत जो पोलिटिकल वर्कर्स के साथ और मीडिया के साथ कर रही है ये बतौर सियासी कारकुन और सियासी जिद्दोजहद करने वाले लोगों के तौर पर हम इसको ठीक नहीं समझते हो चुके हैं और छब्बीस के साथ मिलकर धनबाद ऑन रिकॉर्ड कहना चाहिए ये तो ओनरशिप तो ले लिया उन्होंने ऑन रिकॉर्ड की जरूरत भी पैदा हो जाएगी देखिए ऑन रिकॉर्ड की जरूरत पैदा नहीं हो रही आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी मजबूरियां होती है पोलिटिकल लोगों की ऑन रिकॉर्ड की चंद लोगों ने जरूरत पैदा की है शायद खकान अब्बासी बात कर रहे हैं मुस्तफा नवाज खोखर बात कर रहे हैं एहतजाज एहसन बात कर रहे हैं लतीफ खोसा बात कर रहे हैं और मैं आपको लगभग एक दर्जन नाम बता सकता हूं ये लोग बातें कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड भी कर रहे हैं लेकिन देखिए मेरे वो सहाफी दोस्त उन पर मुझे हैरत होती है जो कल तक जमूरीत के दावे करते थे जमूरियत के बुलंगों बंद